ये जो सक्सेस है आयुष गुप्ता ने जो 98.6% लेके उल्हासनगर सिटी में टॉप किया है, ये टोटली उसकी इंडिविजुअल सपोर्ट है, उसकी इंडिविजुअल एफर्ट है और हमारे टीचर्स की, हमारे मैनेजमेंट के गाइडेंस का ये नतीजा है। इसमें मेरा योगदान बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे मेरे बच्चों पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने इस बार, ये फिफ्थ टाइम था लास्ट 14 इयर्स में कि उल्हासनगर में पेट ऑक्सफर्ड स्कूल के स्टूडेंट ने टॉप किया, 2010, 2012, 2016, 2018 और अभी 2023, बीच में कोविड के ईयर्स को छोड़ देंगे तो 13 साल में 5 बार सबसे ज़्यादा सिटी टॉपर्स उल्हासनगर स्कूल में पेट ऑक्सफर्ड से आए हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से मेरे बच्चों ने इसमें अच्छी तरह से मेहनत करके अव्वल आए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा अव्वल रहेंगे और देश के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। मेरा आशीर्वाद उनके लिए यही। मैं चीफ ट्रस्टी पेट ऑक्सफर्ड स्कूल से बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा आयुष गुप्ता को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, प्रिंसिपल सर विजय सर को, क्योंकि उनके एफर्ट्स हैं जो बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं। 98.60 लेके आयुष गुप्ता ने उल्हासनगर में टॉप किया है। इज द सिटी टॉपर एंड दिस इज़ द फिफ्थ टाइम कि हम लोग ने सिटी टॉपर दिया है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से 98.6 इसने टेंथ में लिया है, अपनी ज़िंदगी के कारवा में भी वो बहुत आगे चले और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू। नाम राजू गुप्ता, 3 नंबर OT उल्हासनगर में रहता हूँ। ठीक है। मेरा लड़का आयुष गुप्ता पेट ऑक्सफर्ड हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने इस साल SSC 2023 में 98.60% स्कोर किया है और क्लास में फर्स्ट आया है। ठीक है। और पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है तो मुझे उस बात से बहुत खुशी है और पूरे परिवार में खुशी है। इसके पहले मैं भी पढ़ाई में कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मेरी जो सिस्टर थी उसने साइंस फील्ड लिया था, जो सबसे छोटी सिस्टर थी, और आज वो UK में है। तो साइंस फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है और उससे लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। ये मेरी छोटी सिस्टर से मुझे आइडिया मिल चुका था और मेरी छोटी सिस्टर ने भी बहुत गाइड किया, पूनम गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने भी बचपन से इसको बहुत मोटिवेट किया कि ये आगे कर सकता है। और साइंस में मेरी छोटी सिस्टर के 89% आए थे और वो हमेशा से होप रखती थी कि मेरा भतीजा मुझसे भी अच्छा करे और जो 89% मैंने लाए हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब हमारे ख़ानदान में तू और अच्छा परसेंटेज लाया और साइंस फील्ड में जाके मैंने जहाँ तक जो किया है उससे भी आगे जाके तू ये कितना सपोर्ट रहा है। मेरा लगभग ना के बराबर सपोर्ट रहा है। ठीक है। मेरी किराने की शॉप है। ठीक है। जो सपोर्ट रहा है मदर का रहा है, क्लासेस के रहे हैं, स्कूल के रहे हैं, सर टीचर के रहे हैं, मेरे ना के बराबर सपोर्ट रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं उसको बिठा के पढ़ाता था, हाँ उसकी बुआ का सपोर्ट रहा है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक उसकी बुआ ने भी बहुत पढ़ाया लिखाया और बहुत गाइड किया। आई एम आयुष गुप्ता, आई एम फ्रॉम पेट ऑक्सफर्ड हाई स्कूल। आई हैव स्कोर्ड 98.60% एट माई SSC बोर्ड एग्जाम्स और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतनी परसेंटेज मिली। और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन जो की थी वो ऐसी थी कि मैंने एक्चुअली हर सब्जेक्ट के लिए डेली प्रिपरेशन थी, मतलब एटलीस्ट 3 to 4 hours एवरी डे पढ़ना था उसके लिए, और मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलरली रखी। और तो और इसमें मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, विजय सर ने, स्पेशली माय क्लास टीचर स्नेहलता टीचर एंड इवन मनीषा मैम, क्योंकि मैंने UCMAS किया था, उसने मेरे को UCMAS ने मेरे को मैथ्स में काफ़ी हेल्प की। तो इन सारे फैक्टर्स ने मुझको बहुत ही मोटिवेट किया और मेरे सक्सेस में वो भी कंट्रीब्यूट हुए हैं। मेरी टीचर ने मेरे को हमेशा इंस्पायर किया टू अचीव दिस गोल एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स एंड टू माय टीचर्स आल्सो, जो क्लासेस पे टेस्ट वगैरह होते थे एंड स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होते थे उन सब से भी काफ़ी हेल्प हुई। और जो भी हमारे वीक सब्जेक्ट्स है उसको हम लोगों को ट्राई करना है कि हम उनको स्ट्रॉन्ग करें एंड देन फिर लैंग्वेजेस स्पेशली, क्योंकि उसमें हम लोगों के मार्क्स जाते हैं, इवन मैथ्स, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ द बुक भी होते हैं बट बेस्ड ऑन द सिलेबस होते हैं, तो उसके लिए रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और फिर ये सब अगर फॉलो करेंगे तो फिर वी कुड अचीव दिस गोल। थैंक यू। टीचर प्लान्स में आगे क्या सोचें? अभी तो स्टार्टिंग से ही मेरे को मेडिकल में इंटरेस्ट था, तो आई एम थिंकिंग आई एम गोइंग टू परस्यू फॉर PCB
physics, chemistry and biology and enter into the science stream. So I will pursue any profession from the field of medical itself. Konark, अपना शहर, अपनी बातें।